सो गाइज वी आर रेडी टू गो और हम तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं आप हमारा लुक। मैं ताला ढूंढने जा रही हूँ गाइज। गयांग सुबह 4 बजे से उठी हुई है, हम सबको रेडी करने में गयांग का ही हाथ है क्योंकि उसने हमें उठाया, इसलिए हम रेडी हो सके हैं। मैगी वगैरह खा के मैंने इसको उठाया सुबह 5 बजे, बोलती है क्यों उठना है। या मैं भूल गई थी कि रात को मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं भूल गई थी कि रात को कपड़े डिसाइड किए थे हमने, तो मैं पूछ रही थी पहनना क्या है क्योंकि मैं नींद में थी ना। तो रात को मैं 1:30 पर सोई हूँ यार, व्लॉग एडिट करके। और 2-3 बजे ये श्वेता भी रेडी हो गई है और गयांग भी। सो भगवान का नाम लेके चलते हैं। अटेंडेंस होते हुए गाइस ये लड़कियां मेंस टॉयलेट में जाते हुए और ये ऐसे नहीं, इसको उठाएं और हाथ में लगाएं। यस बस 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 जुगाड़ से जा जा प्रेरणा जा जा, मैं नहीं आने दूंगी, किसी को नहीं आने दूंगी, जा तू जा आराम से जा। बोल नहीं कुछ मैम, सो इन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इकट्ठा किया। लेकिन आपको पता है कि इसलिए हम जा रहे हैं ना? नहीं सुन ले प्लीज, एक्चुअली हमारा ऐसा है कि हम सब लोग ये अब ये बस तीसरी बार रुकी है, तीसरी बार यहाँ पे शर्मा फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप पे, और मैंने फ्रूट्स खाना प्रेफर किया है। सो हम यहाँ उतर रहे हैं, फिर अब हम कहीं जा रहे हैं, पता नहीं कब मिलते हैं। हमें यहाँ उतरने को बोला है, अब हम पैदल पैदल जाएंगे ऑफिस तक। आई थिंक सो गला खराब कर लिया जिसने अपना, ये वो ये कांगड़ो वाली लावण्या। अभी हमने हिमाचल म्यूजियम के बाहर नारे लगाए, अब हम बसेस की ओर जा रहे हैं और पूरी करो पूरी करो सेक्ट्रेट के पास, सेक्ट्रेट तक जा रहे हैं हम। ठीक है
यार पता तो कुछ है नहीं कि चल क्या रहा है, पर सब के मांगे पूरी करो पूरी करो, हमारा भविष्य खराब मत करो मत करो। अब सब बसेस का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम बसेस से जाएंगे। तो ऐसे बोल रहे हैं कि सीएम सर आ गए हैं तो अब हम जा रहे हैं सारे। आकृति तो यहाँ बैठ गए छाव में, थक गए सो मैं फर्स्ट टाइम हमारे सीएम से मिल ली, मैंने भी उनको एक पहली बार देखा और मैं बहुत खुशी खुशी उनके ऑफिस में जाने से। सो हमारी बसेस आई नहीं इसलिए हम पैदल पैदल जा रहे हैं रिज की तरफ। ये मत डालना उसमें, सबको लग रहा है हम एंजॉय कर रहे हैं। यू तो डालना है, ये है ये। ओह ठीक है अंकल जी सॉरी। सो ये जयराम ठाकुर सर का घर था जिनसे अभी हम मिलके आ रहे हैं ही। फिर अंकल ने बोला कि फोटो अलाउड नहीं है तो नहीं ली। ये बाउंड्री वॉल है, वो काफ़ी बड़ा घर है लगता है, वहाँ तक है ही है रिच पीपल। तो ये दिख रहा है जयराम ठाकुर सर का घर, काफ़ी बड़ा है। ये भी है वो भी है, पता नहीं कौन से वाले में रहते होंगे। फाइनली हम पहुंच ही गए इतना चलने के बाद। रिच ओह गॉड भीड़ है। चलो जगह ढूंढो। तो हम चर्च पहुंच गए हैं और ये है चर्च और अब हम अंदर जाएंगे। फोन कर रही। सो गाइस चर्च बंद हो गई, रास्ते भी बंद हो गए, अब हमें पता नहीं कहाँ से जाना है। अभी ताला खुल रहा है। थैंक यू सर, उनको बुलाओ। आ गए वो, फाइनली हम बाहर आ गए। फंस गए थे वरना यहीं पे। जो ज़्यादा जो लोग ज़्यादा चल नहीं सकते उनके लिए स्पेशल सवारी। तो अभी हम लक्कड़ बाज़ार शिमला में हैं। तो अब लास्ट हम तिप्तीन मार्केट में इंदिरा गांधी के लिए।